हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। आपको बताएंगे यूपी बोर्ड का रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर होने जा रहा है, प्लस आपको बताएंगे दोबारा से जो मूल्यांकन स्टार्ट होगा वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा और आपका रिजल्ट कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जानना है यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है latestjobforyou.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं latestjobforyou.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुँचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। हम यहाँ से डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है जहाँ पे आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे हम आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020। देश में चल रहे कोरोना वायरस के बीच 10वीं-12वीं के छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिनेश सिन्हा ने कहा है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट 2020 जून के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि जो आपका रिजल्ट है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का और क्लास 12th का जून के पहले हफ्ते में डिक्लेयर हो जाएगा। जो छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आगे कहा है कि 10वीं-12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बीच में रोक दिया गया था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मूल्यांकन प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन के चलते आपकी कॉपियों का मूल्यांकन रोक दिया गया था, मगर अब दोबारा से जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आपकी जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं और रिजल्ट को तैयार होने में 10 दिन लगेंगे, ऐसे में रिजल्ट की घोषणा जून के पहले सप्ताह में हो सकती है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है, वक्त आने पर इसकी सूचना छात्रों को दे दी जाएगी। यानी कि जो आपकी कॉपी चेकिंग में जो टाइम लगेगा वो 25 से 30 दिन लग जाएंगे और आपका जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें 10 दिन लग जाएंगे। यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स रखी गई हैं वो जून का पहला हफ्ता रखा गया, यानी कि जून के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा यूपी बोर्ड का क्लास 10th का और क्लास 12th का। आपको बता दें पिछले हफ्ते यूपी बोर्ड का एक सर्कुलर वायरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि कक्षा 10वीं-12वीं के छात्रों को बिना रिजल्ट जारी किए पास किया जाएगा। ये फर्जी सर्कुलर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। देखिए यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, पिछले हफ्ते एक सर्कुलर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें ये दे रखा था कि बिना कॉपी चेकिंग के आपको पास कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल फेक है, उस पर यकीन मत करिएगा और उसे आप वायरल भी मत कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे फायदा होगा। यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।